महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने दो दिवसीय चलने वाले वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि हारना कोई बुरी बात नहीं है, हारने के बाद ही जीतने का प्रयास होता है, कोशिश करने वालों की जीत तय है। आज खेल के क्षेत्र में आगे निकलने की बड़ी संभावनाएं हैं, सरकारें इस क्षेत्र में ध्यान दे रही हैं, शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी महत्व मिलना चाहिए, अभिभावक अपने बच्चों को खेल में आगे आने के लिए प्रेरित करें, आज खेलों में विकास की अपार संभावनाएं हैं, विद्यार्थियों को खेलों को अपने दैनिक जीवन में समाहित करना चाहिए। वहीं महाविद्यालय के प्रबंधक मंकेश्वर नाथ पांडे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना महत्वपूर्ण है, विजेता बनना सौभाग्य का विषय है, पर जो विजेता नहीं हो पा रहे हैं आगे और प्रयास करें, यही खेल भावना है, खेलों से ही मन वतन की तंदुरुस्ती प्राप्त होती है। भी अगर आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा पढ़ाई सब कर रहे हैं उसके अलावा क्या करते हैं, अगर किसी का खेल कूद में शौक है उसमें, कोई कल्चरल में जाना चाहता है उसमें, तो इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे इस कॉलेज का उन्होंने कहा इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ गोरखपुर, आई थिंक कि 119 साल पुराना इतिहास होता है, और जब कोई लंबा किसी शिक्षण संस्थान का इतिहास होता है तो उसका एक अपना कल्चर भी होता है, और जब बच्चे एडमिशन लेते हैं कहीं कहीं पे, तो सबसे पहले देखिए पढ़ाई तो हर कॉलेज में हो रही है, कहीं भी एडमिशन लेंगे पढ़ाई होगी, लेकिन छात्र और छात्राएं जानना चाहती हैं कि कैंपस लाइफ कैसी है वहाँ की। आपके इस कॉलेज में दो बड़ी फील्ड हैं और अच्छे अध्यापक हैं, साइंस में भी अच्छा कर रहा है, लास्ट टाइम हमने एक लैब का भी इनॉग्रेशन किया था और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज पढ़ाई लिखाई की हैं और खेल कूद की भी अच्छी सुविधाएँ हैं, तो ये सब आप लोगों का सौभाग्य है कि इस कॉलेज का पार्ट है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, महाविद्यालय के प्रबंधक मंकेश्वर नाथ पांडे ने कहा महात्मा गांधी पीजी कॉलेज हर वर्ष वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता कराती है, उसी क्रम में यह सत्र 2023-24 की आज वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलपति महोदया ने अपनी उपस्थिति देकर छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन से हमारे छात्र छात्राओं को अपने जीवन में खेल को शामिल करने और साथ ही साथ दिनचर्या में योग प्राणायाम और कुछ शारीरिक गतिविधियां अवश्य हों, इसे वो शामिल करेंगे ताकि आगे के जीवन में वह स्वस्थ रहें और देश और समाज के विकास में अपना योगदान करें। 800 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे जल्द से जल्द, वार्षिक क्रीड़ा का आयोजन बिल्कुल वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे। बहुत शुभकामनाएं एमबीए कॉलेज को इस तरह के आयोजन के लिए, छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खेलकूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इस प्रतियोगिता के बाद भी इसको कंटिन्यू करें, और विश्वविद्यालय भी कल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन कर रहा है, कल फर्स्ट डे है हमारा, उसके बाद विश्वविद्यालय आईएनएक के साथ में एक मैराथन भी हम लोग करा रहे हैं, हाफ मैराथन, वो भी 10 दिसंबर को है, 10 दिसंबर को हो रही है, तो इस तरह के आयोजन हम चाहते हैं छात्र छात्राओं के लिए बहुत आवश्यक हैं। अन्य कॉलेजेस में भी चल रही है स्पोर्ट्स मीट, छात्र इसमें भागी